आमला जी, आज की रैली के बाद कैसे चांसेस आप डीपीएपी के देखते हैं, जो उधमपुर पार्लियामेंट्री सीट है जहां पर सुरूरी साहब जो है वो आपके कैंडिडेट है? देखिए, जम्मू कश्मीर पूरी हिंदुस्तान में पहली ऐसी पार्टी है जो नई पार्टी बनी है और 1.5 साल के अंदर इस तरीके से उभर के आई है। लोगों के अंदर जज्बात है, जज्बा है, और चुनाव मेली का हमारा पहला कैंडिडेट है जीएम सुरूरी साहब। इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे, और आपने देखा किस तरीके से लोग उन्हें चाहते हैं। एज ए जब वो आरएमपी मिनिस्टर थे तब उन्होंने लोगों का काम किया है। अब जो वोट होगा वो काम के नाम पे वोट होगा, विकास के नाम पे वोट होगा। इन्होंने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, वो नारा इनका झूठा निकला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका झूठा निकला। इन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई अगली बार मोदी, बहुत हुई महंगाई की मार अगली बार मोदी सरकार। लेकिन अब मुझे लगता है कि मोदी सरकार अगली बार इन्होंने अब जो वो वादा भी इनका झूठा निकला, क्योंकि आप देखें कि अब ये बोल रहे हैं कि 400 पार। मेरी गरीब आवाम में अपनी पूरी आवाम से अपील करती हूँ कि 400 पार। इन्होंने कहा कि डीजल 400 पार, तेल 400 पार, आटा 400 पार, ये हर चीज जो बीजेपी वाले हमेशा जो बात बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। इसलिए ये 400 पार, हर एक चीज को 400 पार लगाना चाहते हैं। इसलिए आप इन्हें 400 पार करके इधर से भगाना होगा और अगली बार विकास के नाम पे वोट देना होगा। अच्छा, गुजर बरादरी के वोट पर जो है वो सबकी नजर है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक आप खुद इसी कम्युनिटी से, तो क्या बोलेंगे? देखो, गुजर बिरादरी का जो वोट है उसके नाम पे ये हमेशा सियासत करते आए हुए हैं, अब भी उसके नाम पे सियासत कर रहे हैं। लेकिन अब जो गुजर है वो सुधर चुका है, वो गुजर वो नहीं रहा है, अब गुजर बहुत आगे आ चुका। आप देखें कि पूरे जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवालों की लड़कियां अभी DDC हैं, BTC लड़की हैं, बहुत सारे हमारे लोग जो आगे आ चुके, एजुकेशन में बहुत आगे हैं, अब लोग सुधर चुके हैं। इन्होंने हमारे जो कुछुआ केस हुआ उसके बाद भी हम अगर इन लोगों को, ऐसे दागदार लोगों को, अगर हमारे गुजर भाई में, सब अपने गुजर बकरवाल भाइयों से अपील करती हूँ कि आप उन्हें लेके आगे चले जो हमारे साथ, हमारी ST इन्होंने छीनी, हमारे साथ जो भी इन्होंने नाइंसाफियां हमारे साथ अभी तक की, मैं अपनी जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम से, खासकर गुजर बिरादरी से अपील करती हूँ कि अब तो सामने आइए, अब तो अपनी आंखें खोलिए और हक के नाम पे वोट दीजिए, काम के नाम पे वोट दीजिए, विकास के नाम पे वोट दीजिए। शुक्रिया।